everyone. Welcome to Infinity Classes. Today I will start number of zeros. Number of zeros, आपको कोई भी सीरीज गिवन होगी एग्जाम में, ठीक है, उसमें आपको सॉल्व करने के बाद एंड में, ठीक है, लास्ट में कितनी जीरोज आती है वो हमें काउंट करनी होती है. लास्ट में जीरोज का मतलब क्या है कि सपोज मैंने आपके आगे यहाँ पे एक नंबर लिखा है, ठीक है, 35,000. तो आपसे पूछेंगे इस 35,000 में कितने जीरो, तो आप क्या बोलोगे, 3 जीरो है, ठीक है. एंड में जो जीरो होती है वही हमें काउंट करके बतानी है कि कितनी है, ठीक है. सपोज यहाँ पे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो आप ये नहीं कहोगे अगर इस सीरीज़ में आपसे पूछा जाए कि वट हाउ मेनी जीरोस, तो हाउ मेनी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जब आपको बताने होगी तो लास्ट की बताने होगी, तो भी यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा. बीच वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है. तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, या उसके फाइंड करने का मतलब क्या है कि आपको किसी भी सीरीज़ के एंड में, ठीक है, लास्ट में कितनी जीरो बन रही है ये आपको बताना है, ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट. अब जैसे हमारे पास एक सिंपल नंबर है 3, ठीक है, 3, मैं चाहती हूँ कि 3 के पीछे मैं जीरो लेके आऊँ, यानी 3 को मैं क्या बनाना चाहती हूँ, 30 बनाना चाहती हूँ, ठीक है, एक जीरो लेना आएगी, ठीक है. तो 3 को 30 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है, और 10 के भी अगर मैं फर्दर फैक्टर कर दूँ तो यानी आप 3 को मल्टीप्लाई करो 2 × 5 से, ठीक है. तो एक ज़ीरो कैसे आती है, एक ज़ीरो तब आती है जब आप किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 × 5 से, ठीक है. यहीं पर देखो, अगर मैं 3 को 300 में कन्वर्ट करूँ, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, 100 से, और 100 को मैं ब्रेक कर लूँ अगर 10 × 10 में, तो 10 × 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 5 और 2 × 5, ठीक है. तो आप यहाँ से इतनी सी बात से क्या समझ रहे हो कि हमें जब सीरीज़ गिवन होती है या कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर के पीछे लास्ट में एंड में जो ज़ीरो बनती है, जितनी ज़ीरो होगी, अगर एक ज़ीरो तो इट मीन्स वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जीरो है तो यानी वो नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी. अब ये जो ज़ीरो है, ठीक है, एंड में जो एक ज़ीरो, ये जो आखिरी में एक ज़ीरो बनी है वो किसकी वजह से बनी है, 2 और 5 की वजह से, ठीक है. तो 2 × 5 यानी 2 × 5 का एक पेयर है ना, ये क्या बनाता है, एक ज़ीरो बनाता है, ठीक है. एंड में इसने कितनी ज़ीरो बनाई है, एक ज़ीरो बनाई है, ठीक है. यहीं पर आप देखोगे 2 और 5 के हमारे पास 2 पेयर हैं, 2 और 5 के कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो बन पाई थी, 2 ज़ीरो बन पाई थी, ठीक है. तो हमें क्या काउंट करना है कि 2 और 5 के कितने पेयर है, जितने पेयर आपके 2 और 5 के बनेंगे उतने ही उस सीरीज़ में एंड में क्या होंगे, उतने ही ज़ीरो होंगे, ठीक है. तो बेसिकली हमारी जो ज़ीरो होती है वो ज़ीरो किससे बनती है, 2 और 5 के गुणा करने से, ना खाली 5 से ना खाली 2 से, ठीक है, दोनों होने चाहिए पेयर, यानी 2 × 5 होने चाहिए, एक पेयर से आपकी एक ज़ीरो बनेगी, ठीक है. होप सो आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा. ओके, तो जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 3 × 5 × 5, ठीक है, सपोज मैंने ये लिखा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 75, ठीक है. बेशक से यहाँ पे 2 5 थे लेकिन ज़ीरो तो नहीं आई ना, सिमिलर आप ये लिख दिया हमने 3 × 2 × 6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा. तो देखो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 2 था, अकेले थे तो ज़ीरो नहीं आई है, ठीक है. यहीं पे कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज 5 × 2 × 5, ठीक है, तो आप इसको कहोगे क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है. 50 आपका क्यों आया, एक ज़ीरो क्यों आए, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक पेयर था किसका, 2 और 5 का, ठीक है. तो 1, 2 और 5 का पेयर क्या बनाता है, 1 ज़ीरो बनाता है. देखो यहाँ पे 1 और 5 था लेकिन इसका पेयर नहीं है ना, तो इसीलिए 0 क्या आई, 1 आई, क्योंकि पेयर क्या बन रहा था, 1 बन रहा था. यहीं पर मैं क्या कर दूँ, 2 × 5 × 2 × 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि 2 और 5 के कितने पेयर थे, 2 पेयर थे, ठीक है. तो 2 और 5 का एक पेयर क्या बनाता है,
एक ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या काउंट करना है कि हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर दो कितनी बार है और पांच कितनी बार है, यानी हमारे कितने पेयर बन पा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आपके पास सीरीज़ है ये 1 × 2 × 3 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। इट मीन्स ये आपको क्या दे रखा है, 10 का फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है। 10 का फैक्टोरियल है जब आपकी सीरीज़ क्या होती है, कॉन्टीन्यूटी में होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि आप कोई नंबर फाइंड करो कि भाई 17 कितनी बार है, 18 कितनी बार है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस फाइंड करने का, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ये भी निकल के आता है कि आपको किसी भी सीरीज़ में कोई भी नंबर पूछ लेगा कि कितनी बार वो नंबर आ रहा है, ठीक है। 2 काउंट करो, 3 काउंट करो, 17 काउंट करो, ठीक है, 21 काउंट करो, कितनी बार है। अगर सीरीज़ कॉन्टीन्यूटी में है, ठीक है, हमारी सीरीज़ के कॉन्टीन्यूटी में, पहले तो हम सिंपली फाइंड करते हैं, जनरली फाइंड करके देखते हैं कि हमारे पास 2 कितनी बार है। 1 2 यहाँ पर है, ठीक है, ये भी क्या है, 2 × 2 तो 2 तो यहाँ पे आ गया। ये क्या है आपका, 3 × 2 एक यहाँ पे आ गया। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, ओके। और एक आपका यहाँ पर आएगा 5 × 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हमारे पास 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, 8 बार आता है, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में हमारे पास 2 कितनी बार आते हैं, 8 बार आते हैं। ये तो 10 फैक्टोरियल था, तो इस तरीके से हमने एक एक नंबर को चेक कर लिया कि एक एक नंबर के अंदर कितने ज़ीरो है। लेकिन ये 10 फैक्टोरियल की जगह 100 फैक्टोरियल होता, 500 फैक्टोरियल होता, तो हम इस तरीके से थोड़ा फाइंड करते, ठीक है। तो क्या करना होता है आपको, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल है, ये 10 का फैक्टोरियल है, ठीक है, 10 को लिया, आपको क्या काउंट करना है, 2 काउंट करना है, जिस जो भी नंबर हमें काउंट करना है तब वो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर चाहे कितना भी बचे, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, हमारे पास 10 था, 10 फैक्टोरियल था, उसमें हमें काउंट करने थे 2, तो 10 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, क्या आया, 5 आया, ठीक है। जो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को दोबारा लिखोगे और फिर से जिस जो आप काउंट कर रहे हो वो लिखोगे, आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 पे जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, ओके। उसके बाद फिर से अपने क्वेश्चन को यहाँ, और आप क्या काउंट कर रहे हो, 2 काउंट कर रहे हो, डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 1। आगे फर्दर तो डिवाइड नहीं होगा ना, अब ये आपका क्या आ गया, छोटा आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास, अब आप क्या करोगे, ये काउंट कर लोगे, तो काउंट करने के बाद आपके पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है टोटल, है ना। और वैसे भी हमने निकाला था तो क्या आया था, 8 आया था। तो इस सीरीज़ में कितने 2 हैं, इस सीरीज़ में 8 2 हैं, ठीक है, ओके। सिमिलर सेम सीरीज़ में, ठीक है, सिमिलर सेम सीरीज़ में, यानी 10 फैक्टोरियल में हम 5 काउंट करके देखते हैं, ठीक है। पहले आपको जनरली बता देते हैं 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आएगा, और तो कहीं नहीं आएगा। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल, तो आपको क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, ठीक है। किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अब ये छोटा हो गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल में आपका 5 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। सपोज आपके पास 20 फैक्टोरियल है, ठीक है, 20 फैक्टोरियल है, तो इसके अंदर आपको बताना है 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, 3 कितने, कुछ भी, चलो हम 3 काउंट करते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि 20 फैक्टोरियल में 3 जो है वो कितनी बार आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 को 3 से डिवाइड करोगे, 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। फिर 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 2 पे जाएगा, और ये से छोटा आ गया, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 20 तक, यानी 1 से लेके 20 तक आपके कितनी बार 3 आएंगे, 8 बार आएंगे, ठीक है। इसी में 5 गिनते हैं, 20 फैक्टोरियल में आपका 5 गिनते हैं, तो 5 किस पे जाएगा, 4 पे, ये छोटा आ गया, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इसी में 20 फैक्टोरियल में हम 2 को काउंट करते हैं, किस पे जाएगा, 10 पे, फिर 10 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा, 5 पे,
फिर 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा 2 पे, ठीक है। फिर 2 को जब तक इक्वल ना आ जाए, ठीक है, ये छोटा ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहें। अब भी यहाँ पे इक्वल आ रहा था, तो जब तक छोटा ना आ जाए आपके ये कोशेंट जो है वो छोटा ना आ जाए तब तक आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कितना आया, 10, 15, 15 और 3, 18, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल में आपके पास 2 कितनी बार आता है, 18 बार आता है, ठीक है। ओके, तो ये सीरीज़ है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 से यानी 15 फैक्टोरियल तक है, ठीक है। इसमें आपको काउंट करना है कि 3 कितना है और 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट 15 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो कितना है 5, अभी तो ये इससे बड़ा था तो यानी 1, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने 3 आ गए, 6 आ गए, टोटल कितने आ गए 3, 6 आ गए, ठीक है। एक बार जनरली काउंट करके देखते हैं कि सच में टोटल जो है वो 3 जो है टोटल 6 टाइम आ रहा है। तो एक बार यहाँ इसको लिखोगे 3 into 2, ठीक है, इसको लिखोगे 3 into 3, इसको लिखोगे 4 into 3 और इसको लिखोगे 5 into 3। तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आपके पास 3 कितनी बार आए, 6 बार आए। अब 5 काउंट कर लेते हैं, तो 5 कैसे काउंट करोगे, 15 डिवाइड बाय में 5, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है 15, मतलब किसका फैक्टोरियल है 15 का, और क्या फाइंड करने को कह रहे हैं, 5 फाइंड करने को कह रहे हैं। तो 15 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो किस पे जाएगा, 3 पे, ठीक है। ये तो यहीं पे हो गया, तो यहाँ पे जो 5 है वो कितनी बार आ रहा होगा, 3 बार आ रहा होगा। देखते हैं, चेक करते हैं, एक बार तो ये रहा, एक बार इसमें आएगा 2 × 5, राइट, और एक बार इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1, 2, 3, तो आपके पास कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। इस सीरीज़ में 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर, कि आपको कोई भी सीरीज़ में कोई भी नंबर फाइंड करना हो कि भाई वो नंबर कितनी बार है, तो आप क्या करोगे, उस सीरीज़ जो भी फैक्टोरियल है, जिस चीज़ का भी फैक्टोरियल है, उससे क्या करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे। सपोज़ जैसे इसी में आपसे पूछ ले कि आप बता दो 12 कितनी बार है, तो 15 को किससे डिवाइड कर दूंगी, 12 से, किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, बस, तो 1 ही है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसमें, अब देखो, अब हम एक चीज़ समझते हैं कि अपने वापस जीरो वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब तो आप काउंट कर लोगे ना, काउंट करना आपको आ गया, कि आप कुछ भी काउंट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, वट एवर आपसे पूछा हुआ हो, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कोई भी कॉन्टिन्यूटी में सीरीज हो, ठीक है। अब हम अपने वापस जीरो वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके, सपोज यही आपका 10 फैक्टोरियल तक था, ये क्वेश्चन हमारे पास 10 फैक्टोरियल वाला। ओके, इस पर हमने ड्राइंग कर दिया। ओके, तो 10 फैक्टोरियल, अब 10 फैक्टोरियल में आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि ज़ीरो कितनी आए, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस के लिए हमने क्या सीखा है, कि जो ज़ीरो होती है वो किससे बनती है, 2 और 5 से। इट मीन्स हमें क्या बताना है कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, कितने पेयर बनेंगे, कितने हैं 2 और 5। तो पहले क्या करते हैं, 2 गिन लेते हैं, 10 फैक्टोरियल तक में 2 कितनी बार आता है, और फिर उसके बाद गिन लेंगे 5 कितनी बार आता है। तो 2 हमने काउंट कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, हमने पीछे भी काउंट किया था, एक बार और काउंट कर लेते हैं। 10 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड यानी 5, फिर 5 को किससे करेंगे, 2 से यानी 2, फिर 2 को किससे करेंगे, 2 से यानी 1, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 2 आया आपका 8 टाइम, ठीक है। ओके, यहाँ तक। अब सिमिलर आपके 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है आपका 2 बार, ठीक है, तो 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, ठीक है। पर हमें तो पेयर चाहिए भाई, 2 भी होना चाहिए और हमारे पास 5 भी होना चाहिए। तो इस तरीके से पेयर तो कितने पॉसिबल होंगे, 2 ही पॉसिबल होंगे, क्योंकि 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो पेयर कितने बन पाएंगे, 2 ही बन पाएंगे। इट मीन्स आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी, ठीक है। 10 फैक्टोरियल तक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ से आपको सीखना क्या है,
यहाँ से आपको ये सीखना है कि आपको अगर दिख रहा है ना, देखने से पता चल रहा है कि भाई इस सीरीज़ में मेरे 2 कम हैं, 12 आ रहा है, 5 कम 12 आ रहा है, तो जो कम बार आ रहा है ना, 2 अगर कम बार आ रहा है, 5 अगर कम बार आ रहा है, तो हम वही काउंट करेंगे, क्योंकि जो कम बार आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो बनेगी, क्योंकि हमें क्या बनाने हैं, हमें तो 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, और 2 और 5 के जोड़े कैसे सक्सेसफुल होंगे, जो नंबर कम टाइम्स होगा उतने पेयर हमारे पास बन पाएंगे, ठीक है ना, उतने पेयर हमारे पास बन पाएंगे। अब जैसे 2 8 बार आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 आ रहा था 2 बार, है ना, और पेयर बनाना है हमें, तो 2 और 5 के क्या बनाना है, पेयर बनाना है, तो कितने जोड़े बन पाए, 2 ही तो बन पाए ना, ये तो जोड़े नहीं बना पाए, ये जोड़े नहीं बना पाए, तो 0 कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी। तो सीरीज़ में आपको देख लेना है कि आपका 2 कम टाइम आ रहा है या 5 कम टाइम आ रहा है, ठीक है, बिना 2 के 0 नहीं बनेगी, बिना 5 के 0 नहीं बनेगी, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो अब 37, 63, 24 मल्टीप्लाई में 81, ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के लिए वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 2 और 5 देखो कहाँ पर है और कितनी बार है, क्या इसमें 2 आएगा, नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, नहीं आएगा, इसमें हाँ आएगा, देख लेते हैं एक बार, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 3 जा, यानी 2, 3 × 3, यानी आपका यहाँ पर जो है 2 आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन पूरा डिलीट हो गया, 24 81, ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, इसमें 2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो सिर्फ आपके पास क्या है, 2, खाली 2 तो 0 बनाएगा नहीं, ठीक है, हमें 5 ज़रूरी है, तो यहाँ पर जो है आपका 0 नहीं आएगी, ठीक है, नो ज़ीरो इन मीन्स नो, NO वाला, ठीक है। ओके, क्लियर यहाँ तक। ओके, 37 मल्टीप्लाई में 64, 9 कर लेते हैं, 65 और 91 कर लेते हैं, ठीक है। तो वही नंबर ऑफ ज़ीरोज आपको बताने हैं, यानी हम काउंट करेंगे 2 और 3, यहाँ पे 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, नहीं है, ठीक है, 2 तो है ही नहीं। अच्छा, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें है, यानी 13 × 5, यानी 1 5 है हमारे पास, और इसमें भी नहीं आएगा 91 में, तो यहाँ पर भी आपके पास खाली कौन है, 5, तो अकेला 5 भी 0 नहीं बनाएगा, यानी इस सीरीज़ में भी आपकी जो है वो 0 नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, 32 × 65 × 49, ठीक है, ये सीरीज़ है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आएगी। तो ओके, चेक करते हैं, इसमें 2 आएगा, हाँ आएगा, ठीक है, टेबल काउंट करो, 8 4 जा 32, ठीक है, 8 4 जा 8 6 32, यानी 2 की 5, है ना, या 32 कितने होते हैं, 2 की 5 होती है, ठीक है, और यहाँ पे 13 5 65, यानी 5, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, 5 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो जोड़े कितनी बन पाए, 1 बन पाया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 क्या था, 1 बार था, और 2 5 बार है, लेकिन पेयर बनाना है, तो जो कम बार होगा उतने ही आपके क्या बन पाएंगे, 0 बन पाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि 2 की 5 थी और 5 की 1 थी, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो क्या बन पाए हमारे पास, 1 पाए, क्यों 1 बन पाए, 1 क्यों बन पाए, कि भाई जो कम होगा, जो जोड़ा बना पा रहा होगा, क्योंकि जितने जो कम होगा उतने ही आपके जोड़े बन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा काउंट नंबर ऑफ़ ज़ीरो ऑफ 5 फैक्टोरियल, इसको छोड़ दो,
100 फैक्टोरियल, ठीक है, 100 फैक्टोरियल में आपको गिनना है कि ज़ीरो कितने आएंगे, ठीक है। 100 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6, 7, 8, 100 तक टेबल काउंटिंग नहीं लिखूंगी मैं, यानी ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाउंड करने के लिए अभी हमने सीखा है कि अगर इस तरीके से की सीरीज़ है तो जो कम बार है वही आप काउंट करोगे, ठीक है। तो दो को देखो, दो तो हर दूसरे नंबर में है, हर दूसरे एक नंबर छोड़ के क्या है, दो है, ठीक है। तो दो ज़्यादा बार आ रहा है। पाँच देखो, पाँच नंबर के डिफरेंस पे आएगा, यहाँ पाँच है तो दूसरा 10 में, फिर 15 में, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस कॉन्टीन्यूटी सीरीज़ में यानी 100 फैक्टोरियल तक मेरा जो पाँच है ना वो क्या आएगा, कम बार ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है कि मैं गिन लूँ कि पाँच कितने हैं, जितने पाँच होंगे उतने ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और कॉन्टीन्यूटी सीरीज़ में मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है। 100 फैक्टोरियल किसका था, 100 का, क्या काउंट कर रहे हो, पाँच, तो डिवाइड कर दो, किस पे जाएगा, 20 पे, ठीक है। फिर 20 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 4, ठीक है। अब तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, छोटा गया, तो यानी 24, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी बन जाएगी, 24, इसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी बन जाएगी, 24, ठीक है। इसी तरीके से आप 500 में भी फाइंड कर सकते हो। 500 में भी आपको दिख रहा है कि हर दूसरे नंबर पे दो होगा और पाँच हर पाँचवें नंबर पे होगा। दो और पाँच में से कम बारी कौन आ रहा है, पाँच आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या काउंट कर लिया जाए, पाँच काउंट कर लिया जाए, ठीक है। तो हम क्या काउंट करते हैं, पाँच, 500 फैक्टोरियल्स में हमें क्या काउंट करना है, पाँच, यानी 100 पे जाएगा, फिर 100 को 5 से करोगे 20, फिर 20 को 5 से करोगे 4, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 124। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ गई आपकी, 124, ठीक है। 1000 फैक्टोरियल का आप खुद करोगे और करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज इन 135 फैक्टोरियल, ठीक है। 135 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कितने आएंगे, ठीक है। तो 135 फैक्टोरियल है, 135 फैक्टोरियल, तो इट मीन्स आप क्या करोगे, आप इसमें पता चल रहा है ना कि जो आपका दो है वो हर दूसरे नंबर में है और पाँच पाँच नंबर छोड़ के। जब भी फैक्टोरियल होते हैं ना, सिंपल सा रखो, जब भी आपके पास फैक्टोरियल होते हैं तो आप पाँच काउंट कर लो, ठीक है। तो हम इस 135 में क्या काउंट करते हैं, पाँच, 135, पाँच किस पे जाएगा, 27 पे, ठीक है। 27 को फिर से 5 से, पाँच पे, और फिर पाँच को 5 से यानी 1 पे, ठीक है। तो आप इसका सम कर दोगे यानी 33। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कितनी हो जाएगी आपके पास, 33, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज कितनी आई हमारे पास, 33, ठीक है। 135 को हमने 5 से डिवाइड किया, 27 पे गया, फिर 27 को हमने 5 से डिवाइड किया, किस पे जाएगा, 5 पे, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 पे जाएगा, तो टोटल क्या हो गया, 33, ठीक है। आपको रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना है, रिमाइंडर पे हमें फोकस नहीं करना है, ओके, क्लियर आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 255 फैक्टोरियल में आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी हैं। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में अभी हमने सीखा कि जब भी फैक्टोरियल दिया हो तो बिना कुछ सोचे पाँच गिनना शुरू कर दो, ठीक है। किस पे जाएगा, 51 पे, 51 को 5 से करोगे 10 पे, ठीक है। 10 को 5 से करोगे 2, ठीक है, ओके। और तो नहीं जाएगा, काउंट कर लोगे, काउंट करने के बाद कितना आ जाएगा, 63। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 63, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट 75 फैक्टोरियल, 75 फैक्टोरियल भाई, तो क्या गिनूँ, पाँच गिनते हैं, किस पे जाएगा, 15 पे, ठीक है ना। 15 को फिर से 5 से यानी 3 पे बस, यानी आपका 18, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, गॉट इट। ये सारे क्वेश्चन ना खुद से प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ आप इसको खुद से सॉल्व करते रहो, ओके।
टू इंटू में, फोर इंटू में, सिक्स इंटू में, टेन और अप टू 98, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी हैं, ठीक है। इसमें आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी हैं। तो देखो, पहले तो 4, 6, 8, 10, ये सीरीज़ ही बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 98 तक हम सीरीज़ थोड़ा बनाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज़ जो है आपकी कॉन्टीन्यूटी में नहीं, अभी तक हमने जो सीखा है वो कॉन्टीन्यूटी सीरीज़ के लिए सीखा है कि जैसे आपको फैक्टोरियल दे रखा, फैक्टोरियल तो कैसे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है ना। यानी आपकी सीरीज़ क्या होती है, कॉन्टीन्यूटी में होती है। बट ये 2, 4, 6, 8 इसके अंदर क्या है, गैप है दो दो का, ठीक है। तो ये उस तरीके से नहीं होगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इस क्वेश्चन को क्या करें, जो हमने सीखा है ना उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट कैसे होगा, थोड़ा सा सोचते हैं। देखो, इस दो के पास भी ये आपका ये दो है, इसके पास एक दो है, इसके पास दो दो हैं, ठीक है। इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं, ठीक है। इसको लिखोगे 2 into 1, इसको 2 into 2, इसको 2 into 3, इसको 2 into 4, ठीक है। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 49। तो यहाँ पर दो क्या है, कॉमन है हर किसी में, तो यही काम हमने इसमें करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 249 टाइम्स बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1, इसके पास 1 बच गया, यहाँ से आपके पास 2 बच जाएगा, यहाँ से आपके पास 3 बच गया, ठीक है, यहाँ से आपके पास 4 बच गया, ओके, एंड सो ऑन, कहाँ तक, 49 तक, ठीक है। तो अब अंदर वाली सीरीज़ तो कॉन्टीन्यूटी में हो गई, अंदर वाली सीरीज़ आपके पास क्या होगी, कॉन्टीन्यूटी में होगी, यानी 49 फैक्टोरियल, ठीक है। 49 फैक्टोरियल, अब 49 फैक्टोरियल में आप क्या काउंट कर लो, 5 काउंट कर लेते हैं, तो 49 डिवाइड बाय में 5, यानी किस पे जाएगा, 9 पे, फिर 9 को 5 से डिवाइड करोगे यानी 1, ठीक है, यानी कितना आया, 10। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज आपके पास कितनी आई, यहाँ पर 10 आई, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज आपके पास कितनी आई, यहाँ पर 10 आई, ठीक है। हमने क्या करा, हमारे पास टेबल थी 2 की टेबल 98 तक, वहाँ से हमने क्या करा है, हर में से दो क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हमने हर में से दो कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो टोटल दो बाहर निकल के आए, वो बाहर निकल के आए 2 की पावर 49, ठीक है, 2 की पावर 49। अंदर हमारे पास बच गया 1 into 2 into 3 into up to so on 49 तक, ठीक है। तो ये वाली सीरीज़ क्या है, कॉन्टीन्यूटी में है, ये वाली सीरीज़ क्या आपकी कॉन्टीन्यूटी में है, ये क्या है, 49 का फैक्टोरियल है, 49 का फैक्टोरियल है। तो हमने इसमें क्या काउंट कर लिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस काउंट कर लिए। कैसे फाइंड करें, हमने निकाले कि कितनी बार 5 आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी आ रही है आपकी, 10 आ रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 24 की पावर 4 into 5 की पावर 12। अभी आप ये भूल जाओ कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अभी हम सिंपली फाइंड करते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स इन दिस सीरीज, ठीक है, ओके। क्वेश्चन था आपके पास ये 24 की पावर 4 है, तो इसको पहले मैं दो में ब्रेक करती, दो में कैसे ब्रेक करोगे, इसको लिख सकते हो 8 × 3 = 4 और ये 5 की 12 तो चल रहा है, लिख सकते हैं ना, सिंपल। अब इसको ब्रेक 2 की पावर 3 × 4 × 5 = 12, गॉट इट, यहाँ तक सिंपल है, ठीक है। अब ये 4 अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 4 और 5 = 12, ठीक है। देखो, 2 भी 12 12 है और 5 भी 12 12 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी बनेगी आपके पास, 12 बनेगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितनी बनेगी, 12 बनेगी, और ये 81 बनेगा, है ना। 81 के बाद 12 ज़ीरो हैं, 81 के बाद 12 ज़ीरो हैं,
तो नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो सिंपल क्या 12, लेकिन ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछ रहा है। तो 81 और 81 के पीछे 12 जीरो है, तो इसके मतलब डिजिट कितनी हो जाएंगी, 12 जीरो प्लस में ये 2, ठीक है, तो डिजिट आपके पास कितनी हो जाएगी 14, ठीक है, डिजिट आपके पास कितनी हो जाएगी 14। लेकिन अगर सिर्फ आपसे पूछता है नंबर ऑफ जीरोस, तो आंसर क्या होगा आपके पास 12 होगा, क्योंकि आपके पास जो है दो भी 12 बार बन रहे थे, ठीक है, और 5 भी 12 बार बन रहा था, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आ जाएगी 12, ठीक है, यानी एंड में कितनी जीरो है 12। ओके 12, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो ये कितना 81 है, यानी ये पहले आ रहा होगा, तो काउंट कर लोगे तो कितनी हो जाएंगी 14, नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी आपके पास 14, और नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी आपके पास 12, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार आप यहाँ पे इसे यहीं पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके हाउ मैनी जीरोज विल बी देयर एट द एंड ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के एंड में आपको बताने कितनी जीरो बनेगी, ठीक है। ओके देखते हैं, 1007, 1003, 1001, 999, 123। ओके आप यहाँ तक सीरीज को देखो, अभी डैश डैश पे ध्यान मत दो, ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये जो सीरीज गिवन है ना, ठीक है, इसमें कहीं पर भी दो नहीं आएगा, जब तक दो नहीं आएगा तब तक पांच का हम क्या करेंगे, ठीक है, ये पूरी सीरीज क्या है ओड है, और जीरो बनाने के लिए दो और पांच दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सीरीज जो है वो ओड में गिवन है, यहाँ पे जो है दो आएगा नहीं, दो नहीं आएगा तो ज़ीरो बनेगी कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोस कितनी हो जाएगी आपके पास ज़ीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ओके तो हमने सीखा है कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू एंड फाइव, ठीक है, जो कम बार है, अगर मेरी किसी सीरीज़ में मैंने काउंट किया दो पांच बार आ रहा है और पांच एक बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी एक होगी, ठीक है, यह मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और पांच, ठीक है, फाइव, तो ये तो 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो 160 कितनी है ज़ीरो आई, एक ही आई ना, ठीक है, तो जो आपका कम बार होगा, जो हमारा कम बार होगा वही हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ जीरोज होगी, ठीक है। तो अगर आपके गिवन है फैक्टोरियल गिवन है या आपके पास कॉन्सिक्यूटिव सीरीज गिवन है कॉन्टीन्यूटी में है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे काउंट करने की कोशिश करो पाँच, या कोई भी सीरीज़ गिवन है तो आप देखो कि सीरीज़ में दो ज़्यादा बार आ रहा है या पाँच ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो जो हमें देखना होगा कि जो कम है ना हम वही काउंट करेंगे, अगर दो कम बार आ रहा है तो हम दो काउंट कर लेते हैं, पाँच कम बार आ रहा है तो हम पाँच काउंट कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़ीरो बनाने के लिए दो और पाँच का एक पेयर होना ज़रूरी है। अगर पूरी सीरीज़ में आपके पास दो नहीं है तो ज़ीरो नहीं बनेगी, पूरी सीरीज़ में अगर पाँच नहीं है तो भी ज़ीरो नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ ज़ीरोज का, इस पे बेस्ड जो आपके मेंस में या यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को इससे बिल्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।